नमस्कार, आप देख रहे हैं राइड इनसाइड न्यूज और मैं बंटी विश्वकर्मा आपके साथ। ईसीएल सोदपुर क्षेत्र के चिनाकुड़ी 3 नंबर कुलियरी परिसर में शनिवार को केएमसी के शाखा सचिव स्वारत पासवान के नेतृत्व में स्वर्गीय प्रोफेसर विनय कुमार जी की 131वीं पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कोयला मजदूर कांग्रेस के महामंत्री आर के त्रिपाठी, अध्यक्ष राकेश कुमार एवं अन्य ने प्रोफेसर विनय कुमार जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए अपना वक्तव्य रखा और उनके आदेशों पर चलने की बात कही। पूरी टीम कोयला मजदूर कांग्रेस की टीम, हम लोग उनके दिखाए हुए मार्ग पर और उनके अधूरे सपने को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर चिनाकुड़ी 3 नंबर के हमारे जो ब्रांच के साथी हैं, विशेषतः स्वारत पासवान, उपेंद्र पासवान व अन्य साथी, इन लोगों ने मिल करके, क्योंकि उनका अंतिम भाषण यहीं हुआ था, इसलिए आज यहाँ पर हम लोग कार्यक्रम को रखे और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रोफेसर विनय कुमार जी की पुण्यस्मृति हम लोग इसलिए मनाते हैं कि उनके जो उद्देश्य थे, जो उनका परिकल्पना थी कोयला मजदूरों के प्रति, जो उनका समर्पण था और जो उन्होंने काम किया, हम लोग उसको याद करते हुए और आगे भी उसी मार्ग पर चलते रहे, उसको भूले नहीं। सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी महापुरुष का, आज महात्मा गांधी जी हों, सुभाष चंद्र बोस हों या और भी जो देश के नायक थे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, तो उनको आदर्श मान करके या विश्व के भी जितने बड़े जो रहे हैं नायक, उनको हम लोग इसीलिए याद करते हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया समाज के लिए, देश के लिए। तो उसी तरीके से स्वर्गीय प्रोफेसर विनय कुमार जी ने भी, वो कोयला श्रमिकों के लिए अपने जीवन को उन्होंने पूरा समर्पित किया। अपना जो राजनीतिक जीवन उनका था उसको भी उन्होंने छोड़ करके यहाँ पे, जो उनका ब्राइट फ्यूचर था वहाँ पे, वो मंत्री बनते या और आगे कुछ बनते, वहाँ राज्यपाल बनते, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ करके यहाँ कोयला मजदूरों के बीच में काम करने का निर्णय लिया और साथ ही साथ अपनी नौकरी भी छोड़ी। तो वो जो उद्देश्य लेके चले, जिस उद्देश्य से कोयला मजदूर कांग्रेस का गठन किया या कोयला श्रमिक सभा का गठन किया या और भी जितने संगठन को गठन किए हैं, तो उस उद्देश्य को हम लोग खत्म ना होने दें, उसके प्रति हम लोग समर्पित रहें और आगे बढ़ते रहें। उसी प्रेरणा को लेने के लिए हम लोग उनकी जो मृत्यु दिवस है उसको हम लोग, जब से उनका हुआ मृत्यु दिवस 15 अक्टूबर 1991 में उनकी देहांत हुई थी, 14 अक्टूबर को रात में, 15 तारीख को उनका क्रियाकलाप हुए थे, उनका क्रिमेशन हुआ था, और उसके बाद से हम लोग हर साल 92 से उसको मनाते आए हैं, जैसे कि हम लोग भूले ना और लोगों को भी याद कराएं कि उनका क्या योगदान था कोयला के श्रमिकों के लिए और आगे हम लोगों का संगठन उसको आगे कैसे बढ़ाता रहे, इसके लिए एक प्रेरणा लेने का काम भी हम लोग आज के दिन करते हैं।